नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक फ्रॉड्स के बारे में। आजकल फेसबुक पर बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है और जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, या जो हमारे आजकल बेरोजगार भाई बहन हैं वो भी इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि फेसबुक पर किस तरीके से आजकल फ्रॉड चल रहा है और आप किस तरीके से उस फ्रॉड से बच सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इस तरीके से हमारे साथ भी फ्रॉड हो सकता है। तो क्या होता है, जब आप अपनी फेसबुक चलाते हो तो आपका जो फेसबुक मैसेंजर है उस पर कुछ मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस कैसे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह कोई कीर्ति शर्मा के नाम से एक मैसेज मुझको आया है। अब ये लोग आपको कैसे ढूंढते हैं इसके बारे में भी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लोग स्कैम कैसे करते हैं, आपको कैसे फंसाते हैं। ये आपको मैसेज भेजेंगे और मैसेज भी ऐसा भेजेंगे कि जो बेचारे नवयुवक हैं हमारे और जो बेरोजगार नवयुवक हैं वो जल्दी से फंस जाते हैं। कैसे, यहाँ पर आपको एक नंबर शो होगा और नीचे लिखा होगा प्ले बॉय जॉब, महिला के साथ बॉडी मसाज करना होता है। इस तरीके से ये लोग फंसाते हैं और यहाँ पर आपको लिखा होगा साफ साफ कि दिन की सैलरी इतनी होगी, रात की सैलरी इतनी होगी, और नीचे लिखा है कि सैलरी वन मीटिंग की होती है, महीने में आपको 8 मीटिंग मिलती है, मीटिंग टाइमिंग इतना इतना होता है, आसपास के लोकेशन के हिसाब से मिलती है। तो जो बेचारे नवयुवक हैं वो इन झांसे में आ जाते हैं और जो ये नंबर दिया होता है ना, इस नंबर पर कॉल करते हैं और इसमें आपको साफ साफ जब आदमी देगा, लालच देगा कि भाई आपको 18,000 से लेकर 20,000 तक आपको दिन की सैलरी में मिलेंगे, 25,000 से लेकर 30,000 तक आपको रात की सैलरी में मिलेंगे, तब ये आपको इस तरीके से फंसाते हैं, आपको इस तरीके से लालच देते हैं। होटल फॉर्म हाउस रिसोर्ट के अंडर आपकी मीटिंग होती है, होटल बुकिंग का अमाउंट आपकी क्लाइंट भुगतान करती है, पिकअप एंड ड्रॉप भी क्लाइंट की साइड से होता है। यानी कि आपको इस तरीके से ऐसे ही ये लालच में लेते हैं कि आपका एक रुपया खर्च नहीं कराएंगे और आपका जो सारा खर्चा होगा वो आपको क्लाइंट के माध्यम से मिलेगा और आप इस तरीके की जॉब करते हो। दूसरा, आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि आपका ये सारा काम जो है प्राइवेट होगा, हम किसी को बताएंगे नहीं इस बारे में। नीचे अब इसमें लिखा है जॉब करने के लिए आपको कंपनी में 1 साल का रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन कराने का आपको चार्ज देना होता है। यहीं से इस फ्रॉड की शुरुआत होती है। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करते हो, अगर आप दिन का रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको 1200 रुपये मिलते हैं और रात का चार्ज आपको जो है 2400 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो और ये 1 साल की सदस्यता होती है। रजिस्ट्रेशन करने के 30 मिनट के अंदर अंदर आपको मीटिंग की डिटेल्स प्रोवाइड हो जाती है और 1 घंटे के अंदर आपकी पहली मीटिंग कंफर्म भी हो जाती है। अब जो बेचारे भोले वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इनका जो है पेमेंट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम। अब फ्रॉड होता कैसे है वो आपको बताता हूँ। ये जो इन्होंने दे रखा है कि भाई हम आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे साल भर का, अब जो लोग हैं वो 1200 रुपये या 2400 रुपये करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब वो जब इनसे बात करते हैं ना, तब पता चलता है कि ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है और इनके साथ फ्रॉड हो जाता है। यानी कि अगर इन्होंने दिन भर में 10 लोगों से भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना, और आप मान लीजिए कि अगर इन्होंने 1200 रुपये वाला रजिस्ट्रेशन करवाया तो इनके जो है आराम के साथ 12,000 रुपये ये एक दिन में आराम के साथ कर लेंगे। और ये फ्रॉड ऐसा नहीं कि मैं 10 बहुत कम गिनती बताई है, इनके पास सैकड़ों में हजारों में ये रजिस्ट्रेशन होते हैं और इस तरीके से ये लोग स्कैम करते हैं, ठीक है। भोली वाली जनता से इस तरीके से पैसे लूटते हैं और फिर आपको इस तरीके से भरोसा दिलाते भाई आपके साथ हम ऐसा काम कराएंगे। और अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो भी जाता है और किसी के साथ इन्होंने ऐसा कुछ मान लीजिए कि भाई चलो ठीक है, कोई बंदा इनके पीछे पड़ गया कि भाई आप मुझको जो है आपने मुझसे रजिस्ट्रेशन करवाया है और आप जो है मुझको ये जॉब दीजिए, तो वो क्या करते हैं कि जॉब के नाम पर ना आपको इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, आपकी वीडियोस वगैरह बनाते हैं और फिर आपको अलग से धमकी देते हैं कि हम आपकी वीडियोस जो है वायरल कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आपको फ्रॉड में नहीं आना है। अब बात करते हैं कि भाई ये लोग आपको ढूंढते कैसे हैं, किस तरीके से आपके संपर्क में आते हैं। ये क्या करते हैं, इनका बहुत बड़ा जो है पूरा ग्रुप होता है और ये फेसबुक आईडीज को सर्च करते रहते हैं, देखते हैं कि भाई कौन बंदा किस तरीके से एक्टिव है, उसके कैसे कैसे दोस्त हैं। अगर मान लीजिए आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई ऐसा बंदा एक भी होगा ना जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखता होगा, तो उसकी फ्रेंड लिस्ट के हिसाब से फिर वो आपको सर्च करते हैं, आपके आईडी पर आपको कभी कभी रिक्वेस्ट भेज देते हैं और जो आप देखते हो कि यार चलो ठीक है ये कॉमन फ्रेंड है, जैसे दिखाता है ना कि भाई म्यूचुअल फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ जाता है और फिर इस तरीके से वो आपको मैसेज करते हैं। कई बार के केस में तो ऐसा होता है कि आपके ये फ्रेंड लिस्ट में नहीं होते हैं और आपको डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं। तो दोस्तों, हमको इन सब चीज़ों से बच के रहना है और आपको इस तरीके के फ्रॉड में नहीं फंसना है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर मेरी वीडियो से कोई भी एक बंदा अगर इस फ्रॉड से बचता है ना, तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ और आगे से अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आता है तो ध्यान रखना, उसको तुरंत ही ब्लॉक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस तरीके की वीडियोस देखते हैं, इस तरीके के मैसेज में इंटरेस्ट रखते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके की डिजिटल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। मैं हूँ आपका दोस्त हिमांशु चौधरी,
फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।